हाय दोस्तों, मैं राजेश क्रिकेटा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश क्रिकेटा। आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नया वीडियो लाया हूं मैं और ये वीडियो है आसान पर कुर्मी समाज का। और ये कार्यक्रम हुआ था 2020 का 31 जनवरी और 1-2 फरवरी में BTAG का उदलगुड़ी डिस्ट्रिक्ट कोरांग में हुआ था। तो दोस्तों, वहाँ आसाम के विभिन्न जिले से बहुत सारे कुर्मी समाज के लोग, कुर्मी जाति के लोग वहाँ ये कार्यक्रम में आए थे और वहाँ आसाम की मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी आया था। तो वहाँ कुर्मी समाज के जो कलाकृति है, उनके दैनिक रहने का जो तरीका है, वो सब कुछ उन्होंने वहाँ प्रदर्शनी में दिखाया था और उसी का कुछ दृश्य मैं इस वीडियो के जरिए अब तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो अभी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए हम देखते हैं वो वीडियो को। तो और दोस्तों, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, साथ में शेयर करना कभी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। आप सभी को मेरा इस वीडियो में स्वागत है और आप इस वक्त देख रहे हैं असम कुर्मी समाज की 21वीं राज्य वार्षिक अधिवेशन। और ये अधिवेशन 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी 2020 में BTAD के अंदर उदलगुड़ी डिस्ट्रिक्ट उरांग में हुई थी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरे दिन की कार्यक्रम। आप इस वक्त देख रहे हैं इनकी कला संस्कृतियों का कुछ अंग और साथ में कुछ युद्ध अस्त्र भी, जैसे धनुक, च्यारी और इनके रख रखाव इन समाजों में बरसों से चली आ रही है। और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदर्शनियों की कुछ झलक, जिसमें से है टूसू पूजा और फकुआ में जलाने वाले मेजी। इनके समाज में होने वाली विवाह प्रथा की एक झलक, जिसको इन्होंने अपनी प्रदर्शनी के द्वारा दिखाने की कोशिश करी है। कुल मिलाकर कहे तो इस कुर्मी समाज की जो उद्यापन समिति है, उन्होंने अपनी जो कला संस्कृति, अपना दैनिक जीवन का जो भी कार्य है, उनको अपनी प्रदर्शनी द्वारा बहुत अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करी है और लोग भी उसे देख के बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि मर्द किस तरह हाल जोतते हैं और उनको खाना देने के लिए उनकी पत्नियां किस तरह खेत पे आती है। तो कुल मिलाकर एक खेती कैसे करते हैं उसको यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। मेन घर लागे जैसा हमने घाटा से हमने मैंने हमने कर सुते घर लगे इटा मैन घर इटा लगे अंदर कर तार पर इटा अंदर कर इटा खटिया लगे अंदर आराम विराम काम कर का है कि आराम विराम उठा ये खटिया में करील अब जब अंदर छोरा पुता मैंने छोटे छोटे सेना को लगे जब वो जब ढिलुआ अंदर का ढिलुआ बोलन ये ढिलुआ में अंदर मैंने सुताई के मैंने माय गुला काम करें उधर ढिलुआ और ओटा अंदर का आलना ওটা হান্দরকার মানে আলনা হান্দর যেহেতু অতি কেন সেলে হান্দরকার ওটা আলনা লাগে আর এটা হান্দরকার চুনাকা ডঙ্গি হ্যাঁ এটা এটা হান্দরকার চুনাকা ডঙ্গি আর এটা
Kembali ke
Hello.
এটা আমাদের গা ধোয়া ঘর লাগে এটা আমাদের গা ধুয়ে নিয়া এটা মানে আমাদের এটা গা ধুয়ে আর ইয়া দুপড়া ঘর লাগে আর পানি এখন কেতনা কই কি কম্বল লাগে এটা যাতে আমাদের মানে অটোমেটিক আর আমাদের এই যে পানি থেকে এটা আমাদের পানি খায় এই যে এটা হ্যাঁ মাচান বলে লোটাকে খড়ি মাচান ব্রাশ রাশ রাখে ওইটা যেটা গতিকে দেখা প্রতিমা এটা মানে একটু সময় করে আমি পূজা করি যাবো সংক্রান্তি মে আয়োজন করা যায় টুসু পূজাটা আর বিশেষ করে শ্রী সমাজ কর টুসু দেবীটাকে পূজা করলে সে মানে যার সুভাবতা বা যার মনকামনা যেটা মনকামনা যেটা যেরকম যে চাহেলা মানে মন মানুষ মানে সন্দেহওয়ালা টুসু দেবী লাগে মানে ধর পৌরাণিক বা পুরঞ্জি বা হামিকার যেটা শাস্ত্র ভিত্তি মে শাস্ত্র ভিত্তি মে এটা মানে যেটা রহে এই অবিবাহিত মানে বহুত কিতাব মে মানে বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকর কিতাব সে এটা জানা যায় যে মানে শিশুটা মানে আত্মজা কে মানে নদী মে ঝাঁপ দিকে হেরি হয়ে রহে তো ঠিক মানে সঠিক নহয় আর তো এই টুসু পূজাটা বিশেষ করে হামিকার কর্মী সমাজ করে গো এই পুষ মাঘ সংক্রান্তিকর পুষ সংক্রান্তি ঠিক মাস মাস করে এটা আমি করে গো জাতীয় পরব হিসাবে। বল রং খেলা রং দাহন পিছে মানে খলিকা দাহন আসমিয়ানে কেনা খলিকা দাহন আমি কিলা হলি দাহন দাহনটা কারণ বাদ মে আমি রং মানে একদম বানাই আর মুরগি বিমা আর গোবর আরবা চাউল আর সিন্দুর একদম দিকে খালি এটা দেখাল যায় মানে তো প্রদর্শন লাগে তো দেখাল যায় অপশক্তি এই যে রাক্ষস কিটা যে দেখেন যে রাবণ যখন রাজত্ব করে এগুলা অপশক্তি যে রাহেন ও অপশক্তি মানে ঈশ্বর দ্বারা সেই হলিকা দাহনকর দ্বারা সে মানে ওই হলি দাহনকর দ্বারা সে মানে অপশক্তি দিন সমাজ কুকর্ম মানে পরিষ্কার হয়ে যায় তো উপর উপরে মানে পবিত্র ধর্মটাকার উপরে ও শব্দটাকার বিশ্বাস বিশ্বাস এতে মানে আমি হলিদাহনটা আমি উদযাপন করি মানে হোলিকার একদিন মানে ঠাকুয়াকার একদিন পূর্ণিমা দিন পূর্ণিমা দিন রং খেলিল পূর্ণিমাকার একদিন মানে চতুর্দশী দিন এটা আমি পূর্ণিমায় করি।